हेलो दोस्तों, व्लॉग्स विद सुल्तान में आपका स्वागत है और हम आपको जगनपुर लोनियाबाग मदरसे की तरफ से होते हुए लेकर चल रहे हैं। और ये हम लोग अभी मदरसतुल ईमान जगनपुर के पास पहुँचे हुए हैं और साथ ही साथ ये देखिए मदरसतुल ईमान की बिल्डिंग है। आपको आगे की तरफ ले चलते हैं, ये रसूलपुर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर सड़क थोड़ी ख़राब है और ये इसी के साथ यहाँ पर टर्निंग पर हम हैं। ये एक रसूलपुर गाँव है जो कि सुहावल विकास खंड में आता है। और ये साथ ही साथ देखिए ठेले वाले भाई हैं और ये अभी भी रसूलपुर रेलवे स्टेशन पे नया ये चौड़ीकरण हो रहा है रेलवे का, दोहरीकरण काफ़ी सालों बाद, यूँ कह लीजिए जब से रेलवे बना है उसके बाद हो रहा है। और हम अब डगरा पे पहुंच गए हैं, इसको डगरा कहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए छप्पर रखे हुए हैं जो कि बहुत कम ही रेयर अब हाईवे के किनारे मिलते हैं, काफ़ी सुंदर होते हैं, काफ़ी ये ठंडे होते हैं। और ये देखिए एक छप्पर और मिल गया है। और साथ ही साथ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, वो सामने प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग दिख रही है और ये रसूलपुर का ईदगाह है जो कि काफ़ी सुंदर बना हुआ है। और ये प्राइमरी स्कूल है जिस ये अभी लग रहा है पेंटिंग हुई थी, कुछ ख़राब हो गया है पेंटिंग में। और साथ ही साथ ये शारदा सहायक नहर है जो किसानों को पानी पहुँचाती है, ये सूखी हुई है। और साथ ही साथ हम आगे की तरफ रसूलपुर गाँव में एंट्री मार रहे हैं। रसूलपुर गाँव का एंट्रेंस है, काफ़ी सुंदर गांव है रसूलपुर। और हम गांव से होते हुए गांव के बाहरी क्षेत्र में जा रहे हैं। बैटरी रिक्शा यहां पे चल रहा है, बैटरी रिक्शा काफ़ी आधुनिक है, इसने पुराने रिक्शा का रूप ले लिया। और चारों तरफ यहां पे खेती होती है और साथ ही ये देखिए चारों तरफ गोबर गोबर पड़े हुए हैं जो खाद के रूप में इस्तेमाल होते हैं। देखिए खंडहर घर भी है और यहाँ की हरियाली देखने लायक है। आपको हम आगे की तरफ ले चलते हैं। चलिए देखिए किसी की साइकिल खड़ी हुई और वो दो बच्चे, छोटे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। सामने आम का बाग है और साथ ही साथ ये चाचा बकरी चराने ले जा रहे हैं। इधर काफ़ी हरियाली है जो कि बकरियों और पशुओं के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। दूर दूर तक ये समदा झील से जाके मिलता है, समदा झील काफ़ी पॉपुलर यहाँ की झील है। और हम ये जो रसूलपुर की रोड है ये भुलई के ये सड़क कोला भुलई का पुरवा उसके साथ साथ खिरौनी और सुहावल बाज़ार को कनेक्ट करती है। और जहाँ पर रोड बन जाती है वहाँ पर डेवलपमेंट ऑटोमेटिक हो ही जाता है। कि देखिए दो किसान भाई सब्जी बेचने वाले हैं, हम आपको दिखाते चलें ये गांव की खूबसूरती है। गांव के अंदर से रोड बनी हुई है, चारों तरफ आम की बाग है, खेतियाँ हैं, यहाँ पर गेहूँ धान सरसों और तमाम तरह की फसलें होती हैं, मगर मुख्य फसल अपने यहाँ गेहूँ और धान उगाया जाता है। और साथ ही साथ पशुओं का चारागाह है, यहाँ पर लोग अपनी बकरियाँ गाय और भैंस चराने शाम को आते हैं। उसके अलावा लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए, काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी भारी मात्रा में सुबह लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। साथ ही साथ मुर्गी पालन के लिए क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा फेमस है, चारों तरफ आप देख रहे होंगे मुर्गी पालन के लिए मुर्गी फार्म दूर दूर नज़र आपको आ रहे होंगे। और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं आपको सड़क की तरफ, सड़क ठीक काफ़ी ठीक बनी हुई है, अभी यहाँ पर फसल कट चुकी है। और इसी के साथ हम आपको एक अमेजिंग चीज़ दिखाने चल रहे हैं, वो देखिए कितना ये अलग ही नज़ारा सामने दिखने वाला है आपको। ये पेड़ गिरा हुआ है सामने की तरफ, एक भारी पेड़ आम का पेड़ जड़ से उखड़कर गिर चुका है। यहाँ पे काफ़ी लोग फ़ोटो खिंचवाने आते हैं, काफ़ी अच्छा। और कि कोई इंडस्ट्री टाइप में पड़ी हुई, हमारी गाड़ी बाइक तेज़ थी इसलिए हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। और साथ ही हम आपको आगे की तरफ ले चलते हैं और हम ये क्या देख रहे हैं, कोई जंगली जानवर जो कि नीलगाय है उसको कुत्ते दौड़ाए हुए हैं। बताइए इतने बड़े जानवर को कुत्ते दौड़ा, साथ ही साथ नीलगायों का पूरा झुंड सामने खड़ा, ये भी अपने देखने में अपने आप में अमेजिंग दृश्य है जो कि वाइल्ड लाइफ का मज़ा देता है, एडवेंचर देता है। अगर लोग आप लोग वाइल्ड लाइफ या विलेज लाइफ पसंद करते हैं तो गाँव की तरफ ज़रूर आइए, देखिए किस तरह नीलगाय टहल रहे हैं। लेकिन सबसे अफसोस की बात है इतना बड़ा जानवर को छोटे छोटे कुत्ते दौड़ाए हुए हैं, यह काफ़ी ज़्यादा है। उसके साथ साथ नीलगाय काफ़ी ज़्यादा किसानों का नुकसान भी करते हैं। सरकार से अनुरोध है कि नीलगायों का कोई उपाय करें या इनको भी जंगल की तरफ थोड़ा भगा दिया जाए, क्योंकि किसानों की फसल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, किसान बड़ी मेहनत से अपनी फसल उगाता है। और साथ ही साथ हम आपको दिखाते चलें बिजली का तार भी, यहाँ हाई टेंशन तार खेतों के बीच से गए हुए हैं। और किसी टेंट वाले भाई ने सड़क पर ही दिया, देखिए पूरी कारपेट बिछाई हुई है ये सूखने के लिए, और सामने की तरफ खेतों में कारपेट बिछाने ये लोग यहीं आते हैं। जब काफ़ी गंदा आ जाता है धुलने के बाद कारपेट की सफाई यहीं पे खेतों में की जाती है। और अब खेतों में प्लॉटिंग होना भी शुरू हुई है, साथ ही साथ ये देखिए दो मकान भी बन गए हैं, क्योंकि गाँव में जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण अब लोग खेतों की तरफ रहें। खेतों का जीवन काफ़ी अच्छा है, हरियाली से बड़ा हरा भरा है, शहरों की तरह प्रदूषित नहीं है।
यहाँ सुबह ताज़ी हवा मिलती है। और साथ ही साथ एक देखिए एक नए मकान का कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा है, यहाँ पे गिट्टी मोरंग गिरी हुई है। और आगे की तरफ ले चलते हैं हम आपको, और ये देखिए बकरियाँ चल रही हैं यहाँ पे, आपको काफ़ी अच्छा अनुभव होगा। और साथ ही साथ हम ये अब भुलईपुरवा और कोला लिंक रोड पर पहुँचने ही वाले हैं। और सामने की तरफ ये देखिए होटल में, जहाँ पर बुज़ुर्ग आकर एक दूसरे से बात करते हैं। बताइए गाँव में ऐसे ही प्यार है, तो वीडियो को शेयर करें और गाँव को बढ़ावा दें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।